दंगाइयों ने सीए विरोध के नाम पे उत्तर प्रदेश को दहकाने की कोशिश की, इसको जलाने की कोशिश की। लेकिन अगर किसी प्रदेश की सरकार सख्त हो तो हिंसा फैलाने वालों के हौसले टूटना लाजमी तो है ही। हौसले यूपी में भी टूटे, किसके? दंगाइयों के। उत्तर प्रदेश में फिर से कोई मुंह उठा के सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान ना कर दे, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन लोगों को चिन्हित किया जिन्होंने सीएए विरोध की आड़ में प्रदेश को जलाने का काम किया, यहां हिंसा फैलाने का काम किया। हर दंगाई का तगड़ा इलाज जरूरी था, इसलिए योगी सरकार की तरफ से कह दिया गया कि वो एक भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शा गया भी नहीं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, कैमरों से उनकी पहचान करके उनके घर वसूली का नोटिस भेज दिया गया। रिकवरी ना होने पे कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया गया, चस्पा कर दिया गया। पर इतने से कहां योगी सरकार को चैन मिलने वाला था, उसके दिमाग में तो कुछ ऐसा चल रहा था जो सालों साल तक दंगाई ऐसे काम को करने से डरते रहे। जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिंसा हुई तो ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद शहर के बीचों बीच चौराहों पर हिंसा के आरोपियों के फोटो होर्डिंग्स पर लगवा दिए गए थे। यूपी सरकार पूरे देश में दंगाइयों पर इतनी कठोर कार्रवाई करने वाली पहली सरकार थी। वाकई यूपी के लोगों ने भी इतनी सख्ती अपने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। अब जैसा कि यही अमूमन केसेस में होता है, इस केस में भी हुआ। योगी सरकार के पोस्टर लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने खुद ही देखना चालू कर दिया, खुद ही संज्ञान ले लिया और मामले को समझने के बाद कह दिया कि नागरिकों का अपमान है, राइट टू प्राइवेसी का मिसयूज है, इसलिए आप हर हाल में 16 मार्च तक पोस्टर और होर्डिंग्स को हटवा लीजिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। उसको लगा कि शायद इधर से कुछ राहत मिल जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया कि अब इधर से कोई बात बनेगी ही नहीं। 13 मार्च को विधानसभा में योगी सरकार ने अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को अपनी मंजूरी दे दी। क्यों लाया गया? सूत्रों की माने तो यह अध्यादेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब तलाशने के लिए लाया गया है। इससे होगा क्या? इसके तहत आंदोलनों, प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों से वसूली भी होगी और उनके पोस्टर भी लगवाए जाएंगे। अभी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश में नियमावली तय होनी बाकी है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस अध्यादेश में हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ के मामलों के आरोपियों की तस्वीरें और जानकारी वाले पोस्टर लगाने का प्रावधान शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार इसमें डीएम को कार्रवाई की अथॉरिटी भी दी जा रही है। यूपी सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना। इनके मुताबिक कैबिनेट ने सर्वसम्मति से अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। साल 2007 की एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि राजनीतिक जुलूसों, अवैध प्रदर्शनों, हड़तालों, बंद आंदोलनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को उपद्रवी नुकसान पहुंचाते हैं, इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी, विवेचना, क्षति की भरपाई के लिए दावा प्राधिकरणों की स्थापना आदि के निर्देश भी दिए थे। इसी के अनुपालन में इस अध्यादेश को लाया गया है। जल्द ही इसकी नियमावली भी बनकर तैयार हो जाएगी। ये सब कार्यमंत्री सुरेश खन्ना कह रहे थे। मतलब आप मानकर चलिए कि दंगाइयों को जरा सी भी छूट देने के पक्ष में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं है। वाकई ऐसे ठोस कार्रवाई से न सिर्फ दंगाइयों के होश ठिकाने आएंगे बल्कि आम जनता में कानून को लेकर भी भरोसा कायम होगा। बाकी योगी सरकार के इस कदम से आप कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे तो मोंटू, मेरा मानव। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।